ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस है, नित्यानंदा के पास एक पूरा देश है, डॉक्टर दिनाकरन के पास लग्जरी यॉट है और जाकिर नायक के पास 100 करोड़ के 25 फ्लैट्स है मुंबई में। हम सबके नजरिए में ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, लेकिन इनके एसेट्स देखकर ये कोई बिजनेसमैन से कम नहीं लगते। सो माय क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे ये करोड़ों अरबों के मालिक बन गए? जवाब है, आपकी आस्था का फायदा उठाया। 1978 में एक हॉरिफिक इंसिडेंट सामने आया जब पीपल्स टेंपल, एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड रिलीजियस ग्रुप के 900 लोगों की एक साथ मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने लीडर रेवरेंड जिम जोन्स के कहने पर जहर पी लिया था। ऐसे अंधे बिलीव्स आज के समय भी चल रहे हैं। 2019 में ब्राजीलियन पुलिस ने रोनाल्डो सोरस नाम के एक व्यक्ति की बेटी को इग्रेजा एडवेंटिस्टा नाम के एक रिलीजियस कल से बचाया, क्योंकि वो वहां पे स्लेवरी का शिकार थी। लेकिन उसके साथ और बहुत सारे विक्टिम्स को बचाने के बावजूद पुलिस उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग केस तैयार ही नहीं कर पाई, क्योंकि दूसरे विक्टिम्स जिन्हें वहां से बचाया गया था वो अपने आप को विक्टिम मारने से ही इनकार कर रहे थे। आज आशाराम बापू 2013 से अरेस्टेड है, जेल में है, लेकिन आज 2023 तक भी उनके कितने सारे भक्त उन्हें पूछते हैं और ये मानते हैं कि बाबा को तो फंसाया जा रहा है। इतना इन्फ्लुएंस, ऐसा क्या करते हैं ये स्पिरिचुअल लीडर्स? थॉमस रूटर्स फाउंडेशन रिपोर्ट के हिसाब से ये सब खेल आपके दिमागी आइसोलेशन एंड कंट्रोल का है, जहाँ केवल आप क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, उसे कम्प्लीटली कंट्रोल करके एक तरीके से आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है। ये एग्जैक्टली किससे होता है, कैसे होता है, उसके लिए हमने जितने भी जो भी रिसर्चेस किए उसमें कई लोगों ने इसके बहुत सारे स्टेप्स को अलग अलग हिसाब से बाइफर्केट किया है। लेकिन टू मेक थिंग्स सिंपल, आज हम इसे 3 सिंपल स्टेप से समझने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप इज गेनिंग ट्रस्ट। ये स्टेप सबसे इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें सबके जो तरीके होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चाहे कुछ बाबास का बीमार लोगों को ठीक कर देना, या फिर उनके सालों से अटके कामों का उपाय दे देना, जादू कर देना, हवे से सोने की चेन निकाल देना, या अपने 10-12 लोगों को अपॉइंट करके रखना जो सबके सामने बाबा ने कैसे उनके दुखों को दूर किया उसकी पूरी गाथा बताएंगे। ये सब टेक्निक्स काफी कॉमन है, आपने बहुत बार देखे रहेंगे। एंड ये और कुछ नहीं, बस आपकी नजर, आपका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। एक काफी कॉमेडी केस 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया में सामने आया था, जब केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में एमके मलयात नाम के एक जादूगर ने बाबा बनाने के लिए कोचिंग क्लासेस खोल रखा था, जहां वो सिर्फ कुछ 5000 रुपीस में बाबा बनने के लिए लोगों को सस्ते मैजिक ट्रिक सिखा रहा था। 2018 में हैदराबाद के ओमोजिया बाबा अपने आश्रम के प्रसाद में ड्रग्स मिलाकर देते हुए पकड़ा गया, ताकि उसके भक्त उस ड्रग से मिली एक हाई, एक हिट को उस बाबा के वजह से आई हुई एक फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस से एसोसिएट कर सके। सो जैसे मैंने बताया, तरीके हजार है, मकसद से वे किए, किसी भी तरह से आपका ध्यान उनके तरफ आकर्षित करके उन पे आपका ट्रस्ट डेवलप करना। नाउ वंस दे हैव योर अटेंशन, स्टार्ट होता है आपके माइंड को कंडीशन करने का प्रोसेस। Also, before we move ahead, मुझे सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है। आज का वीडियो प्लीज किसी भी रिलीजियस एंगल से मत देखना, क्योंकि ये किसी भी एक धर्म के तरफ टारगेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के ऊपर सवाल उठाता है जो धर्म के नाम पर अपना अपना अलग अलग धंधा खोल के बैठे। एंड वी ऑल नो, जैसे हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं वैसे हर धर्म में बुरे लोग भी होते हैं। सो आगे हम जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे उसे वो एक इंडिविजुअल केस स्टडी की तरह लीजिए, ना कि उस धर्म के तरफ टारगेटेड एक प्रोपेगेंडा। स्टार्टिंग विद द स्टेप 2, इस प्रोसेस में हमारे सारे रिसर्चर्स में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टेक्निक सामने आई। सारा लैंड्री, जो नित्यानंदा की भक्त और आउटरीच मेंबर हुआ करती थी, उसने 2022 के लिटिल बिट कल्टी पॉडकास्ट के दौरान बताया था कि नित्यानंदा ने सारा के मन में भगवान की छवि बसा ली थी। सेम कहानी है मेगा चर्चेस की। ये क्वीज सिंपल केस के समय पता चला था कि 12 मेगा चर्च के पैस्टर्स अपने आप को मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहलाते थे, और उनके खिलाफ जाने वालों को वो भगवान के खिलाफ जाने से इक्वेट करते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि फिर भक्त ये कैसे मान लेते हैं कि ये जो बाबा है ये भगवान का रूप है या फिर भगवान स्वयं है। अगेन ऑफ कोर्स ये भी बाबा टू बाबा एंड रिलीजन टू रिलीजन डिफर करता है, लेकिन हर एक बाबा ये ट्राई करता ही है कि उसके मेंबर्स के हैबिट्स, एक्टिविटीज इस तरीके से चेंज की जा सके कि उनका डेली रूटीन कहीं ना कहीं कम्प्लीटली बदल जाए। सो फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस टू टॉकिंग टू पीपल ऑफ सर्टन रिलीजन, मे बी इवन दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने से रोकना, टू एक कम्प्लीटली न्यू रूटीन दे देना कि आपको ये होली बुक्स इतने बार पढ़नी है, ये इतने बार रिसाइट करना है, आपको मे बी डांस नहीं करना है, म्यूजिक नहीं सुनना है, इस दिन को फास्ट रखना है, जो भी। एंड ट्रस्ट में लोगों को इसकी एक भनक तक नहीं लगती है, बिकॉज इसके बाद शुरू होती है उनकी मास्टर स्ट्रैटेजी। एक और कॉमेडी केस हुआ था 2018 में, जब जेसे डुप्लांटिस नाम के एक प्रीचर ने, एक रिलीजियस गुरु ने, एक प्राइवेट जेट खरीदने के लिए डोनेशंस मांगे थे। एंड यू वोंट बिलीव, लेकिन लोगों ने सरप्राइजिंगली
$54 million तक डोनेट किया था उनके प्राइवेट जेट खरीदने के लिए। काफी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, बट डोंट वरी, आपको अपने लिए गुड अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है तो इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको एक एक्सपर्ट पर रिलाई करना जरूरी है, क्योंकि वो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इसके लिए डोंट वरी, मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक मुफ्त फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉटमेंट किया जाता है जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज के आंसर्स देकर आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। मोतीलाल ओसवाल के पास 30+ years ऑफ एक्सपीरियंस है और शेयर मार्केट में उनके 50+ lakh कस्टमर्स है। यहाँ आपको एक मुफ्त डीमैट अकाउंट प्रोवाइड होता है एंड उसको खोलने के लिए आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि पहला साल फ्री मेंटेनेंस चार्जेस और ₹20 का फ्लैट ब्रोकरेज हर लॉट के लिए। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होगी। और अगर आप पहली बार अकाउंट खोलने वाले हैं तो आपको एक वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा जिसमें सारे AI बेस्ड टूल्स और ब्रोकरेज रिवर्सल शामिल है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी एक डीमैट अकाउंट खोलिए विद मोतीलाल ओसवाल। नाउ कमिंग बैक टू रूटीन चेंज करना, एक बार ये हो जाए देन कम्स दी मास्टर स्ट्रेटेजी, इक्वेटिंग बाबा विद गॉड। धीरे धीरे लोगों को दिमाग में स्टोरीज के थ्रू ये फीड करवाया जाता है कि बाबा या तो स्वयं भगवान के अवतार है या फिर भगवान की वाणी को सच करने का शुभ काम कर रहे हैं। इसे रिसर्चर संगमित्रा चौधरी और ममता महापात्रा ने अपने रिसर्च में वैलिडेट भी किया है, जिसमें उनके अनुसार ऐसे डिपेंडेंसीज से लोगों को लगता है कि सिर्फ वही स्पिरिचुअल लीडर आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सकते हैं एंड आप कहीं ना कहीं बाकी दुनिया से आइसोलेट हो जाते हो एंड सिर्फ उस बाबा पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो, विच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी सैड। अब जब उस इंसान का उस बाबा पे ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसका ब्रेन भी कंडीशन हो गया ये मानने के लिए कि सिर्फ बाबा की बोली हुई बात ही सही है बाकी सब कुछ गलत है, तब आता है फाइनल स्टेज, लॉयल सब्सक्राइबर्स बनाना। इस स्टेज में तो आपको बताया जाता है कि अब आप जो भी काम करोगे वो ना अपने लिए ना उस बाबा के लिए बल्कि सीधा भगवान की सेवा में कर रहे हो। ये बेसिकली उस बंदे को या तो हेवन का गाजर दिखा के या नरक के नाम से, भगवान के प्रकोप के नाम से डरा धमका के उसको एक हायर पर्पस दे देते हैं एंड इसके बाद एक इंसान का इस विशियस सिस्टम से निकलना समझ लो नामुमकिन है। लेकिन अब बस सोचो कि एक बाबा इतनी मेहनत करता किसके लिए, मनी एंड पावर। 2017 में बाबा इच्छाधारी भीमानंद को अरेस्ट किया गया था जॉब रैकेट चलाने के चार्जेस में, जिसमें उन्होंने कई सारे नौजवानों से लाखों पैसे ठगे थे IRCTC में एक गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए। ये भीमानंद का पहला जुर्म नहीं था, इससे पहले भी 2010 में इसने कई सारे औरतों को जॉब दिलाने के बहाने से उन्हें फ्लैश ट्रेड में नकेल दिया था एंड येट वो बाबा बेल पे बाहर था। ये साफ दिखाता है कि इन बाबाओं के पास सिर्फ पैसा या फिर फॉलोअर्स नहीं होते, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बाबा चंद्रस्वामी। स्वामी 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एक वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और एक आर्म डीलर, इन सब का एलिजेड स्पिरिचुअल एडवाइजर रह चुका है। इन्होंने तो इतने कांड किए थे कि इनको जब 1996 में अरेस्ट किया गया तब पता चला कि ये सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाबा जो ऐसे फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं, इसमें ये अकेले नहीं होते, इसमें इनके साथ और भी दो पिलर्स ऑफ सोसाइटी मौजूद होती है, बाबास, पॉलिटिशियंस एंड कॉर्पोरेट्स। देखो, पॉलिटिशियंस को चाहिए वोट्स और काले पैसे को वाइट पैसा करना। स्पिरिचुअल लीडर बाबा को चाहिए अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट और पैसा। वहीं पे कॉर्पोरेट्स को भी चाहिए पार्टीज को सपोर्ट करके अपने लिए फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज लगवाना। सो इसीलिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इनका नेक्सस है, ये इलेक्शंस के वक्त काफी एक्टिव हो जाता है। दिशा वर्मा, जिनका ताल्लुक हार्वर्ड लॉ स्कूल से है, उनके हिसाब से कैंपेनिंग्स के समय में काफी सारी पार्टीज पर कैप लगता है जिसके वजह से वो एक लिमिट के बाद खर्चा नहीं कर सकते। तो उस समय अक्सर होता ऐसा है कि पार्टीज अपने कॉर्पोरेट सपोर्टर्स को बाबाओं के ट्रस्ट में एनोनिमस या फिर CSR डोनेशंस के जरिए पैसे पहुंचा देते हैं, ताकि फिर वो बाबा हल्का सा कमीशन रखकर वो पैसा पार्टीज के कामों के लिए खर्चा करे और सपोर्ट दिखाए उसी पॉलिटिकल पार्टी को। इससे इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन होकर बाबाओं की फॉलोवर्स से अच्छे खासे वोट्स भी मिल जाते हैं एंड वहीं पे पार्टी अगर सरकार में आ जाए तो वो ऐसे पॉलिसीज लाएगी जिससे वो कॉर्पोरेट्स को फायदा हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुरमीत राम रहीम। ये तब दिखा जब 2007 में इसने कांग्रेस को सपोर्ट किया और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में BJP को सपोर्ट किया। सो ये तो हुआ बाबाज और पावर के बीच का संबंध। अब बात करते हैं बाबाज कमाते कैसे हैं। कुछ बाबा ऑफ कोर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब प्रवचन छोड़कर अपने अलग अलग बिजनेसेस खोल दिए। इसमें भी दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, लेजिटिमेट बिजनेस खोलना, जैसे कि बाबा रामदेव, उनकी कंपनी पतंजलि जिन्होंने सिर्फ 2022 में ही ₹200 करोड़ से ज्यादा कमाए थे, विच इज लेजिट। लेकिन दूसरा तरीका होता है इललेजिटिमेट बिजनेसेस खोलना। एग्जाम्पल के लिए जाकिर नायक के दो रियल एस्टेट फर्म्स जिन्होंने 7 सालों तक कोई भी रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं किया था,
यानी एक तरीके से कंपनी सिर्फ नाम के लिए थे, बट ये मेजरली अपने स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के इमेज को मेंटेन करने के लिए पब्लिकली नहीं बल्कि सबसे छुपा के कई सारे इलीगल बिजनेसेस कर रहे थे जिसका रेवेन्यू ऑफिशियली रिपोर्ट भी नहीं हो रहा था। बट ऑफ कोर्स बिजनेसेस एक तरीका है, दूसरा एक और एक तरीका है डोनेशन। हाल ही में ऐसा देखा गया कि कुछ अमेरिकन इवेंजेलिकल चर्चेस स्पेसिफिकली कैश में डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं एंड इसके लिए इन्होंने अपने चर्च के लॉबी में ATMs रखे हैं ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऑन द स्पॉट कैश में पैसे उन्हें डोनेट कर सके। जैसे ही ये पैसे अच्छे खासे अमाउंट में जमा होते हैं तब आता है दूसरा स्टेप, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें यूजुअली ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स कई सारे शेल कंपनीज खड़े करते हैं ताकि क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शंस जहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी होती है वहां वो ट्रांजैक्शंस लेजिटिमेट लगे। मिसाल के तौर पर जाकिर नाइक का केस ले लेते हैं, उन्होंने इंडिया से भागने से पहले अपने 4 शेल कंपनीज की मदद लेकर अपने करीब 200 करोड़ रुपीज ऑलरेडी देश के बाहर भेज भी दिए थे। आसाराम बापू ने भी अपने 2 शेल कंपनीज के जरिए ऑलमोस्ट 50 प्रॉपर्टीज अपने नाम पर की थी। सो क्लियर है शेल कंपनीज एग्जिस्ट करती है, बस फर्क इतना है कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं ये अपनी इन कंपनीज को बहुत ही सीक्रेटली बहुत ही चालाकी से ऑपरेट करते हैं, इसको पब्लिकली रिवील नहीं करते। एंड कई सारे बाबा अपने पैसों को छुपाने के लिए अपने ट्रस्ट से उनके शेल कंपनीज में भी ट्रांसफर करते हैं ये कहके कि उस कंपनी ने उन्हें कोई भी रैंडम सर्विस प्रोवाइड की। अब कौन जाके चेक कर रहा है कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड की। फिर उस एक कंपनी से दूसरे कंपनीज शेल कंपनीज में ट्रांसफर सर्कुलेशन होता रहता है ताकि टैक्स अथॉरिटीज की नजर इस पे ना पड़े। एंड देन द लास्ट मेन पॉइंट, इन शेल कंपनीज में से पैसे ट्रांसफर करके असल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट में हो गया या लोन्स देने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। लेकिन वेट, अब भी सबसे इफेक्टिव तरीका बाकी है एंड वो है NGOs। अब तक 14,500 NGOs के ऊपर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट FCRA के तहत एक्शन लिया गया है एंड इसी के तहत आपकी जानकारी के लिए जाकिर नायक का NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एक हवाला सिस्टम के तरह इस्तेमाल किया जा रहा था जहां पाकिस्तान से इंडिया में और इंडिया से पाकिस्तान फंड्स ट्रांसफर किए जा रहे थे। जब इस पर NIA ने जांच की तब पता चला कि जितने भी अकाउंट्स पाकिस्तान से लिंक थे उनमें से ज्यादातर स्पेसिफिकली दाऊद इब्राहिम से लिंक थे। ऑल्सो 2021 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 रिलीजियस NGOs न्यू होप फाउंडेशन और होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था फॉर फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज। बट देखो ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स है बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि एक ऐसा तरीका है जिससे पब्लिकली ट्रांजैक्शंस बिना किसी सवाल पूछे किए जा सकते हैं NGO के तहत। बट जैसा हमने देखा कि कई केसेस में ये क्लियरली दिखता है कि ये NGOs के जरिए पैसे सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं या फिर बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि रिसेंटली अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो एक साधुओं का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फेक बाबास का नाम ना ही सिर्फ सबमिट किया बल्कि उनके ऊपर एक्शन लेने की भी मांग की। ऑल्सो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही सेम रास्ता अपनाया है। सो ऑफ कोर्स इस वीडियो से ये बात तो प्रूव होती है कि बाबा और रिलीजन सेम बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हमारा मकसद धर्म को डिमीन करना नहीं था, वो हर इंसान के लिए एक अहम किरदार निभाता है, हर इंसान के लिए उसका महत्व अलग अलग होता है क्योंकि मेरा तो मानना है कि उससे जीवन में एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म रहता है। लेकिन ये फेक स्पिरिचुअल बाबाओं का पर्सनल फायदा करवाना और आंख बंद कर उन पर भरोसा करना खुद किसी भी धर्म के खिलाफ है, क्योंकि एट द एंड हो क्या रहा है, ये लोग आपको डरा कर धमका कर सुपरस्टिशियस बनाकर बहुत ही कमजोर बना रहे हैं लेकिन खुद मनी पावर से पावरफुल होते जा रहे हैं। ऑल्सो दिस गॉट मी थिंकिंग कि क्या सिर्फ ऐसा बाबा ही करते हैं, क्या हम सब भी ऐसा नहीं करते। हाल ही में हमने देखा कि सेलिब्रिटीज अपने फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राखी सावंत का केस और रीसेंट में उनका डिवोर्स तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये अपने लाइफ के जो बुरे पार्ट्स आपके सामने रखते हैं ये भी एक PR स्ट्रेटेजी होती है। बॉलीवुड में एक मैसिव PR इंडस्ट्री है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज उसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।